जब किसी भी तरीके का शौक किसी भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, तब हमारे पास कुछ इस टाइप के खिलौने होते हैं खेलने के लिए। ये है डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4S। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ एक्सट्रीम मशीन्स दिल्ली में और इनके पास हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारे खिलौने हैं। सीरियसली, मेरे सामने इस वक्त जो चीज़ खड़ी है उसको बोलते हैं डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4S और इस पे हम सबसे लास्ट में आएंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ इनका जो लाइनअप है, जो इन्होंने खड़ा कर रखा है, अगर वहाँ से इसको कवर किया जाए तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके पास कावासाकी की 14R भी खड़ी है, ZX10R भी खड़ी है, ये भी खड़ी है हमारी 800 और ये ट्राइन और हायाबुसा नई भी खड़ी है और इनके पास क्रूजर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइम का लाइनअप लगा है, यहाँ पे हार्ले का लाइनअप लगा है और ये जो लाइनअप है ये आगे तक जा रहा है और इनके पास हर हफ्ते नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक दिमाग के लिए, मतलब हर एक शौकीन बंदे के लिए एक क्रूज़र मोटरसाइकिल इनके पास खड़ी है और काफ़ी कम से कम रेटों में ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये डील फाइनल कर देते हैं। अब मैंने जब फाइंड आउट किया कि यहाँ पे क्या चीज़ बिल्कुल यूनिक है और जो कि डिफरेंट है, मतलब सीरियसली मज़ा आने वाला जब मैं आप उसको दिखाने वाला हूँ और वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4S और वो है बिल्कुल मेरे सामने। अगर मैं इसका सामने से व्यू दिखाऊँ, बिल्कुल सामने से, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो एक मस्कुलैरिटी है इस बाइक में वो एक नेक्स्ट लेवल की है। और गाइस, ये जो मस्कुलैरिटी है और ये जो डिज़ाइन है, ये सस्ते डिज़ाइन नहीं है, ये ऑलमोस्ट 26 लाख की है ऑन रोड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब ये कंपनीज ऐसा कुछ डिज़ाइन करती हैं तो इसमें पावर इतनी ज़्यादा होती है और इसको इतना ज़्यादा एग्रेसिवली डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये एक मॉडल खड़ा है, अब देखिए जो इसका शेप है, यहाँ से कितना ज़्यादा एरोडायनामिक्स को साथ में रख के इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइटर है तो स्ट्रीट फाइटर में बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता और पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर में आगे जो फेयरिंग होती है उसको हटा दिया जाता है। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर जो कि हमें बहुत ज़्यादा हाई एंड बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है, वो है ये विंग्स। ये डाउनफोर्स विंग्स हैं, इनको लगाया भी जा सकता है, इनके एंगल भी चेंज किए जा सकते हैं, बट वो अलग अलग मॉड्स के साथ होते हैं। इस सेगमेंट की जो मशीन्स होती हैं इनमें पावर बेतहा होती है, बेइंतहा पावर, तो वो जो पावर होती है वो पूरी रेयर टायर के अंदर जाती है। अब जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मत बंद कीजिए, जब आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह 1 पे करते हैं, 2 पे करते हैं, तब भी ये जो बाइक्स है ये एकदम से व्हीली मार सकती हैं, खड़े खड़े तो खैर मार ही सकती हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे भी होते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप 120 या 130 की भी स्पीड पे हो, आपने गियर चेंज करी या फिर आपने डाउनशिफ्ट किया और डाउनशिफ्ट करने के बाद में जैसे ही आपने थ्रॉटल दिया वैसे ही ये क्या करता है, ये लॉन्च होती है। तो उस लॉन्च को रोकने के लिए, लॉन्च मीन्स आगे से उठती है, उस लॉन्च को रोकने के लिए ये वाले विंग्स दिए जाते हैं। ये जो विंग्स होते हैं ये इतनी ज़्यादा डाउनफोर्स क्रिएट करते हैं, कि ये जो अगला वाला जो हिस्सा होता है ये उठे नहीं, इसके ऊपर और ज़्यादा वजन पड़ जाता है, तो बेसिकली वो आपका एक्सीडेंटल व्हीलीज जिसको बोलते हैं वो चीज़ें रोक देती हैं। क्योंकि ये सुपर स्पोर्ट्स, और मैं सही बताऊँ ये स्ट्रीट फाइटर V4 इसके अंदर जो इंजन है वो एक तरीके का सुपर स्पोर्ट्स इंजन है। अगर इसके ऊपर फेयरिंग लगा दी जाए तो इसका सुपर स्पोर्ट मान लिया जाएगा, और अगर इसकी फेयरिंग हटा दी हमने तो इसको इस वक्त नेगेट मान लिया जाएगा। तो मेन जो यहाँ का आकर्षण का केंद्र है, यानी कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, वो है ये ही है बाइक। अब इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये कैसी लगती है, कैसी दिखती है, सबसे बाद में बात करेंगे कि कितने से कितने तक की बाइक्स इन लोगों के पास हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इग्निशन सीक्वेंस। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस, ये है इसकी की, मतलब 26 लाख की कोई बाइक है उसकी कीज़ भी आपको कुछ इस टाइप की मिलेंगी। कोई बहुत एक्सपेंसिव कीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये जिन बाइक्स में लगती हैं वो एक्सपेंसिव है। ये देखिए इग्निशन सीक्वेंस देखिए, 3, 2, 1 स्टार्ट। ओ डुकाटी
स्ट्रीट फाइटर। तो यहाँ पे एक LED स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। अब इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं विद DRL। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो DRL हैं ये ऑन हो जाएंगे। अब ये हेडलाइट्स सब ऑन होगी जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें बताने के लिए इतना सब कुछ है कि हमारा ये वीडियो इस वक्त आधे घंटे का बन सकता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये जो टर्न सिग्नल्स हैं और ये जो इसके अंदर फीचर्स हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं इनके अंदर, जो आपको इसी LED स्क्रीन के अंदर सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं नीचे करूँ ऊपर करूँ, ये देखिए मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से अपने नए नए मोड्स पे जा रहा है। मतलब बहुत सारे मोड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ओवरव्यू पे। अगर ओवरव्यू पीछे से इसकी मैं टेन लाइट दिखाऊं तो टेन लाइट का जो खूबसूरती है वो सीरियसली देखते ही बनती है। और ये दूर से भी कहीं चल रही होगी रात को तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि या तो ये पैनी गैले जा रही है या फिर स्ट्रीट फाइटर जा रही है, क्योंकि दोनों की जो लाइट्स हैं उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वो लाइट्स दोनों की सेम ही है। अब आता है शो टाइम। वो क्या है, सामने से अगर मैं इसको दिखाऊं, हम इसको करने वाले हैं इतनी भारी मशीन, वो 1100 CC की मशीन है जिसकी हॉर्स पावर अल्टीमेट है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। अब दोस्तों वो चीज़ जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, यानी कि इसका साउंड की, इसका साउंड कैसा। देखिए इसके अंदर कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, ये इसकी डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट है। अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट में इसका जो साउंड होने वाला है वो सीरियसली मज़ेदार होने वाला है। साउंड कुछ इतना ज़्यादा है कि हमारे माइक वाइक हमारे कैमरास वगैरह सारे के सारे वाइब्रेट होके हिल गए हैं। और कभी भी कोल्ड स्टार्ट में रेव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको रेव करके नहीं दिखाया। बट जो उसका साउंड है और जब ये रोड पे चलेगी तो क्या ही बवाल मचा देगी। ओके, मेरे साथ हैं गुन्नी सिंह, यहाँ के सेल्स मैनेजर। हाय गुन्नी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और सब अच्छे होंगे। आज इन्होंने एक ऐसी मशीन का साउंड सुना है जो कि काफ़ी बढ़िया है, मतलब कानों को सूदिंग लगता है। अच्छा, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल बताइए कि ये कैसी है, कितने की मशीन है और इसकी जो पावर्स हैं वो क्या है। गाइस, बेसिकली ये बाइक अभी 2021 में ही लॉन्च हुई है, V4S स्ट्रीट फाइटर। बेसिकली नेकेड वर्जन है पैनिगल जो V4S आती है उसका। तो ये बाइक बेसिकली 1100 CC में आती है। और उसके अलावा ये S वेरिएंट है। S वेरिएंट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स लाइक जैसे मैट ब्लैक कलर आता है, ओलेंस के सस्पेंशन आते हैं, इसके अलॉयस थोड़े लाइट है क्योंकि भाई ट्रैक पे ज़्यादा पावर चाहिए होती है। उसके अलावा स्टॉक बाइक ये बिल्कुल रॉ मशीन 205 यानी 205 BHP की है। उसके अलावा भाई ये 4 सिलेंडर में आती है। और जो इसके हैं V4 बेसिकली मतलब होता है कि जो आपके जो इंजन शेप है वो V में है, तो ये V4 सिलेंडर है। और उसके अलावा पावर भाई आपको बता ही दिए 205 है BHP। उसके अलावा भाई ये 299 तो बड़े आराम से जाती है, 0-100 अंडर 3 सेकेंड्स के अंदर भाई ये चली जाती है। प्लस बहुत सारे इसके एडवांस फीचर्स है जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके ऑटो फ्लिपर्स वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, इंजन ब्रेकिंग हो गई, व्हीली कंट्रोल्स हो गए, बहुत सारे अनलिमिटेड इसके अंदर फीचर्स हैं। आप देख सकते हो साइड में इसके विंग्स वगैरह भी हैं, दैट इज़ कंपनी स्टॉक। तो भाई एज इट इज़ बाइक ही आती है। और दुकाटी के अंदर भाई मोस्ट प्रॉब्ली लोग इतनी एक्सेसरीज एड ऑन नहीं करते, रीज़न बींग क्योंकि दुकाटी वैसे ही ओवरलोडेड आती है ट्रैक के हिसाब से। Ducati is just like कि भाई आप purchase करो and ready for track ले जाओ, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो ये टॉर्क जो क्रिएट करती है वो टॉर्क कितना होता है? ये 250 Nm का एक स्टॉक इसका है, 250 Nm। हाँ जी। उसके अलावा अगर हम इस बाइक की न्यू की बात करें, जो S वेरिएंट आता है 23 का एक शोरूम है दिल्ली के अंदर, और 26.5 की ऑन रोड आती है ये। एंड दिस मशीन इज 1 month old एंड जस्ट 700 km driven, और DL नंबर है, सिंगल ऑनर है, एंड वी आर डिमांडिंग दिस बाइक फॉर 24.5 lakhs। सही है, मतलब 26 की आती है और आप 26.5 की न्यू आती है, 24.5। उसमें भी आपकी ये 3-4 months की वेटिंग है एंड 50% यू हैव टू पे एडवांस टू Ducati टू गेट द बाइक। ओके, ये तो हो गया स्ट्रीट फाइटर। अब सुपर स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा लाइनअप आपके पास? सुपर स्पोर्ट्स में हमारे पास गाइस कावासाकी के ऑप्शन है, सुजुकी के ऑप्शन है, बाकी हमारे पास नेकेड में ट्रायम्फ का भी ऑप्शन है, और स्टॉक हमारे पास भाई अपडेट होता ही रहता है। ओके गुनीत, यहाँ पे जो ट्रायम्फ का लाइनअप लगा हुआ है ये काफी ज्यादा है, मतलब 3 bikes तो यही खड़ी है, आपके पास और भी है क्या इस रेंज में? ट्रायम्फ की हमारे पास बेसिकली इस टाइम पे 5 units अवेलेबल है। 1 is ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल RS, देन हमारे पास 2 Speedmaster है, देन हमारे पास बॉबर्स हैं, उसके बाद उसके हमारे पास ट्रायम्फ की टाइगर भी है जो टूरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बाइक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ट्रायम्फ की कौन सी बाइक बिकती है आपके पास?
ट्रायम्फ की जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बाइक है दैट इज ट्रायम्फ टाइगर एंड ट्रायम्फ डेटोना। डेटोना इज भाई हॉट सेलिंग व्हीकल, वो आते ही निकल जाती है और अभी भी आई थी लास्ट वीक और वो निकल ही गई। क्रूजर सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक अगर ट्रायम्फ की किसी को खरीदनी हो प्री ओन्ड तो वो कितने तक की होती है और कितने इयर्स? आप ये मान के चलो इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रायम्फ तो ट्रायम्फ बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड इन क्रूजर सेक्शन, तो वो आप मिनिमम 5-6 की रेंज में आप मान के चलो कि ट्रायम्फ को आपकी क्रूजर आपको मिलेगी। अच्छा, और जैसे हमारे पास में ऑफ रोडर्स हो जैसे कि ये खड़ा है ट्रायम्फ का, तो ये कौन सा मॉडल है? इट्स अ लेटेस्ट मॉडल 2020 एंड दिस बाइक इज ओनली कवर्ड 13,000 किलोमीटर्स एंड न्यू बाइक दिस इसकी कॉस्टिंग आती है 17 लाख की विद एक्सेसरीज। वी आर सेलिंग दिस मशीन फॉर 13 लाख रुपीस। अच्छा, मतलब 4-5 लाख रुपए का फर्क है बीच में। हाँ जी। अच्छा, और हार्डलीस की बात करें जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हार्डलीस में बहुत अच्छा लाइनअप है, यहाँ पे कौन कौन से मॉडल हैं और ये कितने कितने रेंज तक जा सकते हैं? बेसिकली अभी हमारे पास करंटली स्टार्टिंग रेंज जो है विच इज 4 लाख रुपीज एंड ये रेंज जो है वो चेंज होती रहती है, प्राइस वेरी करते हैं भाई मॉडल के ऊपर। 4 लाख में कौन सी है? 4 लाख में हमारे पास स्टार्टिंग आती है स्ट्रीट 750 से एज यूजुअल, उसके बाद अपग्रेड अगर आप करोगे प्राइसिंग में तो भाई स्ट्रीट रॉड आयरन 83 48 रोडस्टर कस्टम ये सब मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा भाई अगर इस बाइक की हम बात करें कि भाई ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रीट 750 4 में ही अवेलेबल है, बहुत सारी बाइक्स होती है जो 3 में भी अवेलेबल होती है, 2.8 में भी होती हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन बाइक। और मतलब सबसे सस्ती अगर किसी को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए हो, ठीक है स्पोर्ट्स मतलब फुल फेयरिंग वाली बाइक, तो कितने से कितने तक की आ सकती है और कितने की मतलब बंदे को एक बजट डिसाइड करना चाहिए? गाइस आप ये मान के चलो कि इफ यू आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स, अगर आप फेयरिंग मशीन में जाना चाह रहे हो तो भाई निंजा 650 इज अ गुड ऑप्शन और CVR 650F इज अ गुड ऑप्शन। दैट बाइक विल कॉस्ट यू अराउंड और 5.5 के आसपास आपको मिल जाती है। निंजा 650 तो आपको अंडर 5 मिल जाएगी बट जो CVR 650 है दैट विल बी अराउंड 5.5। बट अगर किसी को एक कम बजट में एक किसी का टाइट बजट हो, ठीक है वो देख रहा है प्रीओन्ड बाइक्स इनलाइन 4 फुल फेयर, तो वो मिनिमम कौन सी कंपनी की ऐसी कोई बाइक्स हैं जो कि या तो हो सकता है कि वो कंपनी ने बंद कर दी हो और वो बिकने के लिए आती हो, या फिर कौन सी ऐसे मॉडल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग होते हैं इस सेगमेंट? होंडा CVR 650 जो है इनलाइन 4 स्टार्टिंग रेंज बेस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, कभी भी ले लो कभी भी भेज दो इजिली यू कैन सेल इट ऑफ। तो गाइज ये है हमारा मेन पॉइंट कि अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो होंडा CVR 650F या फिर उसके आसपास भी कोई और देख सकते हैं और ऐसे स्टोर पे और ऐसे भाइयों से आके मिल सकते हैं, इनके पास एक ऑप्शन नहीं है बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप आपके ऑप्शंस देख सकते हैं उनके ऊपर बैठ के हाथ लगा के छू करके देख सकते हैं। यू कैन टेक अ टेस्ट राइड एज वेल वंस यू फाइनलाइज द बाइक और हमारा स्टॉक भाई ऑनलाइन भी अपडेटेड है, वी हैव एप्लीकेशन वी हैव वेबसाइट वी हैव फेसबुक पेज वी हैव इंस्टाग्राम पेज वी आर एवरीवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एवरी वीक हमारा स्टॉक अपडेट होता है तो भाई उसके लिए आप आके देख सकते हो, इन्वेंटरी भी चेकआउट कर सकते हो। ये जो आपका स्टोर है दिल्ली में कहाँ है? ये वी आर बेस्ड इन ईस्ट दिल्ली कड़कड़ुमा एंड वी डील पैन इंडिया। वेरी नाइस। तो अच्छा गुनीत, अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छा लाइनअप है, जैसे जैसे लाइनअप अपडेट होता है आपके पास में हम फिर आएंगे फिर से एक बार आपके पास। भैया को मैं दोबारा बोलता रहूंगा कि भाई आते रहो क्योंकि भाई इनके आने में भी इन्होंने कम से कम 4-5 दिन लगा दिए, आज आता हूँ कल आता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो गाइज ये था यहाँ का एक वीडियो छोटा सा, आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिटर्न गिफ्ट में हमें एक लाइक या शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन, बाय बाय।